हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले IEX शेयर्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है एंड वो न्यूज के साइड हम लोग ध्यान तो देंगे, बट उससे पहले बता देता हूँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए एंड पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग न्यूज साइड ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग को पता हो तो देख सकते हैं मार्च 26 को ही ये न्यूज आते हुए दिखी थी। यहाँ पे सेबी ने सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की बात की गई है। अब क्यों ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की बात की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर फाइनेंशियल एंडिंग, मतलब यहाँ पे जो क्वार्टर फोर की रिजल्ट आने वाली है जिसके चलते ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने की बात की गई है एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही आपको बंद आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे अप्रैल 1, 2024 टिल 48 आवर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2024। तो यहाँ पे ये चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई है यहाँ पे IEX के तरफ से, तो इस चीज पे तो हमें फोकस रखना है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो अभी भी इस वक्त में भी, अगर सॉफ्टली वे में ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट फिगर, तो ये सारे मार्केट फिगर को एक्सपेक्टेड देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 133.40 पे ट्रेड करते हुए आज के दिन दिखी, आज के दिन भी नेगेटिव मेंटेन करते हुए दिखी है। इनफैक्ट अगर बात करें निफ्टी की क्या हाल हुई है, तो देख सकते हैं निफ्टी में एक बेहतरीन जंप, मतलब जंप तो लिटरली बोलो तो बहुत अच्छा बनते हुए दिखा था, बट उसके बाद डाउनफॉल भी उसी लेवल पे, हाई लेवल पे बनी, बट एट द लास्ट रिकवरी बनाई है। तो ये जो लास्ट की रिकवरी है वो बहुत अच्छी बनते हुए दिखी है। तो अभी हम लोग IEX पे बात कर लेते हैं एंड IEX के साइड में आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सिनेरियो क्रिएट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड पूरी की पूरी मेंटेन कर दी है, मतलब लास्ट में भी डाउन ट्रेंड मेंटेन कर दी एंड उससे पहले भी हम लोग कुछ मेजर फोकस करें तो देख सकते हैं क्या हाल बना हुआ है मार्केट में। मतलब हम लोग का रेगुलर फोकस हमेशा बना रहता है IEX पे, ऐसा नहीं है कि रेगुलर फोकस नहीं बना रहता है, सॉरी ये लगता चेंज हो गया या तो IEX पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर फोकस है, जिसमें हम लोग इतने सारे सर्किट सपोर्ट सबके बारे में बात कर लेते हैं। ये सपोर्ट हमारा बहुत स्ट्रांग है एंड इस रेंज को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अगर आपको इस एरिया में मिले बाइंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड अगर ये ब्रेक भी करिए आप इस एरिया में रुक सकते हैं तो आप रुको एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में तो इतना है कि ये मार्केट में एक अच्छी तेजी बनाएगी। अब क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है, तो हम लोग सबसे पहले स्कैनर से देख लेते हैं IEX के, मतलब थोड़े से फाइनेंशियल के साइड, क्योंकि क्वार्टर फोर की भी तो फाइनेंशियल्स आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड का यहाँ पे अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखो तो हमेशा अगर हम लोग देखें मार्च के टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक ही ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि मार्च के टाइम में कुछ अलग लेवल पे भागते हुए दिखी है, बट हाँ एक चीज डिफरेंसेस क्या आती है, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम 84 मेंटेन करते हुए दिखी है, उससे पहले मार्च के टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं 0.07 मेंटेन करते हुए 1.07 मेंटेन करते हुए दिखी है, तो 1.07 का इधर मेंटेन, तो सिस्टमैटिक ही ग्रोथ हमको लगभग देखने को मिला है। बट हाँ मार्च में कहीं ना कहीं बोले तो हमेशा हंड्रेड्स के फिगर्स में तो आ जाती है एंड एक्सपेक्टेड इस बार भी देखते हो सितंबर में 111 का मेंटेन करते हुए दिखी, दिसंबर में 120 का मेंटेन की है, तो मार्च में ज्यादातर चांसेस हो जाता है कि आपको 130 या 120 के प्लस में रहती है, तो एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है तेजी बनने का। और इसके क्वार्टर की भी रिजल्ट जो भी आएगी, मतलब जिस वक्त में भी आएगी तो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो फॉर माय लेटेस्ट अपडेट गाइस। यहाँ पे बाकी सारी वीडियो अपलोड होते रहती है तो प्लीज वॉच करना मत भूलना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज बताऊं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख लो कि बहुत सिस्टमैटिक ग्रोथ होते हुए दिखा है प्रॉफिट के साइड, मतलब आप ईयरली में बस इस टाइम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मेंटेन हो गया था बट इस बार का भी एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा खासा, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी मिल सकती है। बोरोइंग सबके साइड बात करें तो बोरोइंग तो कंपनी पे ऑलमोस्ट नहीं है, रिजर्व अच्छा मेंटेन किया, तो ऑल ओवर कंपनी के एसेट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन है। इवन अगर बात करूं तो मेन चीज के साइड तो यहाँ पे देख सकते हैं
फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इस बार सबसे ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि दिसंबर से आप देखते हैं, मतलब अगर हम लोग लास्ट सितंबर की बात करें तो वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होते हुए दिखी थी, दिसंबर में भी लास्ट 2022 में कम हो रही थी, फिर उसके बाद तेजी बनी थी, फिर कम होने लगी है। तो इस बार का फॉरेन के साइड अगर बात करें, फॉरेन के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के साइड, तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी उसी लेवल पर बढ़ते हुए दिखे, एंड स्कोप है यार इस कंपनी में, स्कोप है, मतलब लोग बहुत ज्यादा इनिशिएट ले रहे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर बोले साइडवेज मार्केट के लिए, तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हमेशा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि साइडवेज के लिए मेरे लिए ये बेस्ट स्टॉक नहीं है, अच्छी मेंटेन करते हुए दिखी है। और अभी आपको याद रखना है ये दो दिन यहाँ पे, मतलब 48 आवर की बात की, मंडे ट्यूजडे वेनसडे आपको याद रखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है जिसको आप नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि अगर आप भूलोगे तो मे बी कहीं आप फंस ना जाओ, तो ये चीज पे आप लोग ध्यान रखना। ऐसे जो लोग उतने देर से अभी तक बने हुए चैनल पे, तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोग को, और आप लोग को बता देना चाहता हूँ दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस, एंड अगर इन्वेस्ट करने का प्लान करो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लो। एंड यहाँ पे मेरी एक और चैनल मतलब ये मेरी एक और चैनल है जहां पे आपको दो तीन अपडेट मिल जाएगी। अब अपडेट किस तरीके की, तो निफ्टी प्रिडिक्शन की बात करें, राज योगेश करके निफ्टी प्रिडिक्शन की है, तो आप मेरे से यहाँ पे भी अपडेट ले सकते हो निफ्टी प्रिडिक्शन के साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।